पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ग्रहण होने के कारण लोगों के मन में धर्म कर्म के कार्य करने को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पूर्व सूतक काल लग जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। वहीं उसी दिन पितृ विसर्जन अमावस्या होने के कारण लोगों को अपने पितरों के निमित्त उनका तर्पण पिंडदान आदि करना होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण होने के कारण इस दिन आखिर कैसे होगा पितरों के निमित्त कार्य। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमने हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने लोको लैटिन को बताया कि साल 2024 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण विश्व के पश्चिम देशों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार यह भारत में रात के समय होगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो पितृ विसर्जन अमावस्या होने के कारण और ग्रहण के साथ एक साथ होने से कैसे होंगे शुभ कार्य, कैसे मिलेगा पितरों को मोक्ष? जैसा कि 2 अक्टूबर को अमावस्या भी है और उसी दिन ग्रहण भी प्रारंभ है, तो ग्रहण का समय रात्रि 9:13 से प्रारंभ हो जाएगा। सभी ये मान रहे हैं कि ग्रहण सूर्य ग्रहण है और आखिरी हमारा श्राद्ध भी है पितृ विसर्जन अमावस्या। इसमें पितृ विसर्जन के कार्यों को किस प्रकार से हम संपन्न कर सकते हैं, ऐसी सबके हृदय में सबके मन में ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ग्रहण है उसमें ये हमारे भारतवर्ष में इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि यह पश्चिमी देशों में अमेरिका कनाडा इत्यादि देशों में इसका प्रभाव है, इसीलिए हमारे इसमें भारत में इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। और जैसा भी सूतक काल है, सूतक काल के बाद जो ग्रहण प्रारंभ होता है इसमें अमावस्या के धर्म कर्म के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी और उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, कोई भ्रम की स्थिति में ना रहे और इस बात को सोचते हुए धर्म कर्म का संपूर्ण फल मिलेगा। और जैसा कि विदेश में ही ग्रहण का प्रभाव है तो ये भ्रम की स्थिति अपने हृदय से निकाल दें और पितृ विसर्जन अमावस्या के पैतृक कार्य को विधि विधान से संपन्न करें, जिससे कि हमें उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।